दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको एकदम रियल ब्रह्मचर्यनाश की कहानी सुनाने वाला हूं। आज आपको पता चलेगा कि वीरनाश की लत कैसे एक मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती है। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि मैं मंदिर में बैठा था तो अपने ही चैनल के एक सब्सक्राइबर जिन्होंने अपने जीवन की घटना को मेरे साथ शेयर किया, इन्होंने बताया कि जब मैं 12 साल की उम्र का था तब से मुझे हिलाने की लत लग गई। भले ही मेरा उस उम्र में वीर नहीं निकलता था फिर भी मैं हिलाता था, लेकिन समय जैसे जैसे बीता मेरा वीर निकलना शुरू हो गया। ये प्राणघातक लत मुझे गलत संगत से प्राप्त हुई। गांव के लड़के मुझे अश्लील वीडियोस दिखाते थे और मेरा मन ऐसे वीडियोस देख देख के दूषित हो गया था। मैं हर स्त्री को कामुक दृष्टि से देखने लगा। जब मैं किसी लड़की को देखता था तो अश्लील वीडियोस वाली लड़कियां ध्यान में आ जाती थी और मैं घर पहुंचकर वीर नाश कर देता था। मुझे अनुभव होने लगा था कि लत मुझे अंदर ही अंदर मेरे शरीर को खोखला कर रही है और मैं ना चाहते हुए भी अपने आपको रोक नहीं पाता था और वीर नाश कर देता था। मैंने कम से कम 10 साल से भी ज्यादा अपने शरीर का नाश किया। अगर मैं अपने आप को रोकता भी था कि मैं वीर नाश नहीं करूंगा तो अश्लील वीडियोस की रील मेरे माइंड में घूमने लगती थी, क्योंकि अब ऐसे संस्कार मेरे मन में आ चुके थे जिन्हें बाहर निकालना संभव न था। जब मैं कॉलेज जाता था तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टीचर कुछ भी बताते थे जल्द ही उनका बताया हुआ भूल जाता था। किसी भी चीज को रखकर मैं भूल जाता था। जब मैं 19 की एज पहुंचा तो मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो गए, सिर के बाल भी झड़ने लगे, स्वप्न दोष की समस्या भी हो गई। अगर मैं अपने आप को कुक्रिया करने से रोकता भी था तो स्वप्न के माध्यम से मेरा निकल जाता था। अगर मैं कुछ भी काम करता तो जल्द ही मैं हांफने लगता था। हद तो तब पार हो गई जब मैंने एक दिन पेशाब के साथ वीर को निकलते देखा। जब मैं कॉलेज जाता तो सोचता कि जल्दी ही छुट्टी हो जाए और मैं घर पहुंचकर वीर नाश करूं। मुझे अब ऐसा लगता मानो ये काम मुझसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर के सामने बने प्लॉट में हस्तक्रिया कर रहा था कि अचानक से पापा ने मुझे ये सब करते देख लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, पर जैसे जैसे समय बढ़ा अब मेरे ऊपर काम वासना इस तरह सिर पे सवार हो गई कि मैं वेश्याओं की तरफ मुड़ गया। एक वेश्या के साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे जीवन की। ऐसा करने से मेरा जीवन नरक बन गया। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों बाद मेरी मूत्र इंद्रिय के ऊपर लाल दाने से पड़ने लग गए और वहां पर इन्फेक्शन हो गया। पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जब समस्या ज्यादा बढ़ने लग गई तो मैंने डॉक्टर से परामर्श ली और मैंने दवाई खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मेरा इन्फेक्शन खत्म हो गया और घर वालों ने इसके बाद मेरी शादी कर दी। पर जैसे ही मैंने दवाई खाना बंद किया मेरी मूत्र इंद्रिय के ऊपर फिर से इन्फेक्शन उभर आया। इस इन्फेक्शन को सही करने के लिए मैंने हजारों रुपए फूंक दिए, पर बीमारी है कि जड़ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि जब तक ये इन्फेक्शन सही ना हो जाए पत्नी के साथ समागम मत करना, नहीं तो उसे भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो युवक कहने लगा कि आपके चैनल पे मैंने एक वीडियो देखी जिसे देखकर मैं बहुत देर तक रोता रहा और सोचता रहा काश ये वीडियो मुझे पहले देखने को मिल जाती। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, शायद आपके शेयर करने से किसी का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि तुम भले ही कितना ही वीर नाश क्यों ना कर लो, तुम्हारा मन तब तक नहीं भरेगा जब तक वो तुम्हें शमशान घाट नहीं पहुंचा देता। ये हिलाने की लत को समय रहते छोड़ दो, नहीं तो जीवन भर रोते रहोगे, आंसू पोछने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी जवानी में शरीर की ये दुर्दशा है, बुढ़ापे पे जब पहुंचोगे तो क्या होगा। ऐसे लोगों का अंत बहुत भयानक होता है। तरह तरह के रोगों से व्यक्ति पीड़ित हो बहुत ही दुखद तरीके से अपने प्राणों का त्याग करता है। अगर सुखमय बुढ़ापा चाहते हो तो वीर रक्षा करो, और अगर बुढ़ापे पे दुख चाहते हो तो वीर निकालते रहो। दोस्त वीर तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो उसका एक बिंदु भी नष्ट मत करो जब तक कि तुम पूरे 30 वर्ष के ना हो जाओ। इस सार तत्व को केवल संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से गर्भधारण करना चाहिए। उस समय स्वर्गीय प्राणधारियों में से कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म लेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य से जुड़ी महाभारत काल की एक घटना को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब वानरवध जला दिया गया तब पांडव इधर उधर घूमते हुए एक चक्रा नगरी में पहुंचे। कुछ समय वहां उन्होंने निवास किया। वहां उन्हें पता लगा कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है, अतः ये सब उसमें सम्मिलित होने के लिए पांचाल नगरी की ओर चले। चलते हुए रात्रि के समय ये लोग एक विशाल सरोवर के पास पहुंचे। जब ये उस सरोवर को पार करने के लिए आगे बढ़े तब चित्रल गंधर्व जो वहां विहार कर रहा था वो बोला, रात्रि में इन सरोवरों पर गंधर्वों का अधिकार है, अतः तुम
तुम इसे पार नहीं कर सकते। परंतु अर्जुन ने पढ़ा था, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात वीर पुरुष ही इस संसार का उपभोग कर सकता है। अर्जुन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, भयंकर संग्राम हुआ। चित्ररथ अर्जुन के तीखे बाणों की मार को सहन न कर सका, वह परास्त होकर आकाश मार्ग से भागने लगा। अब तो अर्जुन ने इस प्रकार बाण वृष्टि की कि वह बाणों के व्यूह में फंसकर ऊपर भी न जा सका। जब वह चारों ओर से घिर गया तब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उस समय चित्ररथ ने कहा, हे कुंती नंदन, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है, इसीलिए मैं तुमसे युद्ध में हार गया।